तेजी से पिघल रहा गुजरात के बराबर ग्लेशियर। ग्लेशियर जो कयामत वाले दिन पिघलेगा। 12 विकासशील देशों की करीब 9 करोड़ आबादी को खतरा। एक ऐसा बर्फ का पहाड़ यानी कि ग्लेशियर जिसका आकार गुजरात के क्षेत्रफल के बराबर है वो बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिसने वैज्ञानिकों के लिए चिंता पैदा कर दी है। ये ग्लेशियर अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस ग्लेशियर का नाम ट्वाइटिस है। ये कोई मामूली ग्लेशियर नहीं बल्कि इसका आकार लगभग गुजरात के क्षेत्रफल के बराबर है। इतना ही नहीं, यह समुद्र के अंदर कई किलोमीटर की गहराई तक डूबा हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये ग्लेशियर बड़ी तेजी से टूटकर पिघल रहा है। यदि ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के सभी समुद्रों का जलस्तर अगले 50 सालों में 2 फीट और 70 सालों में करीब 5 फीट तक बढ़ जाएगा, जिस वजह से करोड़ों लोगों पर आफत आ सकती है। बता दें कि समुद्र के अंदर इस ग्लेशियर की चौड़ाई 468 किलोमीटर है और इससे आइसबर्ग लगातार टूट रहे हैं। जिस तेजी के साथ यह पिघल रहा है इसी वजह से ये कमजोर होकर टूट भी सकता है और इसका असर खास तौर पर दुनिया के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो मालदीव जैसे कई द्वीप पानी में डूब जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 30 सालों में इसके पिघलने की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई है और अगर यह इसी तरह जारी रहा तो अगले 80 वर्षों में यानी कि 2100 तक यह पूरी तरह पिघल सकता है। अगर ऐसा होता है तो 12 विकासशील देशों की करीब 9 करोड़ आबादी को रहने के लिए नई जगह तलाशनी होगी। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन दुनिया भर के देश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसका असर कई देशों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसकी गिनती जहां दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर के तौर पर होती है वहीं इसे बेहद जोखिम भरा भी माना जाता है और इसे लोग डूस डे ग्लेशियर भी कहते हैं, यानी वो ग्लेशियर जो कयामत वाले दिन पिघलेगा। लेकिन ग्लेशियर जिस गति से पिघल रहा है उससे पहले ही दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में 4% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस ग्लेशियर का क्षेत्रफल 192,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि गुजरात के क्षेत्रफल 196,024 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा छोटा। इस ग्लेशियर के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके अंदर छेद किया है। इस छेद के जरिए एक रोबोट को इस ग्लेशियर के अंदर भेजा गया। इस प्रक्रिया से ही पता चला कि यह ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। समुद्र के अंदर इस ग्लेशियर की बड़ी चट्टानें पिघलकर समुद्र में लगातार मिल रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के तटीय इलाकों को खतरा पैदा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।